सदर तहसील संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों का पहले कोविड-19 जांच किया गया और फिर स्वस्थ पाए जाने के बाद उन्हें स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में प्रवेश की अनुमति दी गई। एक एक शिकायतों को बाकायदा मौजूद कर्मचारियों द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया गया और फिर फरियादियों की समस्याओं को सुन एसडीएम सदर ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। वहीं संबंधित अधिकारियों द्वारा 101 मामलों में से 26 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान गोरखनाथ क्षेत्राधिकारी रत्नेश सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित व नायब तहसीलदार सुनीता गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सीधा सर ये है कि वो पैसा दे दे, पैसे का हिसाब दोनों साफ कर ले। हम उसी समय करा रहे थे, ये भी अपना उल्टा सीधा कर रहे हैं। दोनों एक बात क्लियर कर लेंगे, कितना पैसा है बस। पैसा आप दे दो और तुम खाली कर लो, ठीक है? तीन पांच लिया ना तो कहीं के नहीं रहोगे, बैठ जाओ। आप कई बार ग्रैंड सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है? इनका नाम खारिज न होने के कारण वर्तमान समय नंबर एलान से 4500 ही इनका नाम नंबर इनके नाम से राजेश झा डिस्ट्रिक्ट और मोलई। ये क्या किए जब इसमें नाम इनका शब्द हाथों किए कोई मत बोलो शाहपुर थाना शाहपुर आ जाओ इधर आओ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, अधिकतर विवाद जो है वो सिविल दीवानी प्रकृति के काफी है, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस विवाद का समाधान किया जा सकता है। कुछ मैटर दीवानी न्यायालय में है तो दीवानी न्यायालय में पैरवी करके जिसके पक्ष में आदेश होगा उसका फिर हम एग्जीक्यूशन कराएंगे। और कुछ मैटर्स रिलेटेड टू नगर निगम थे, नगर निगम को भी बता दिया गया है कूड़ा और स्वच्छता को लेके और गंदगी और सफाई को लेके, तो संबंधित को स्थलीय निरीक्षण करके मौके पर निस्तारण करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। कुछ मैटर पिछले थाना दिवस में भी, कुछ थाना दिवस में हमने दोनों कुछ पार्टियों को बुलाया था, कुछ पक्षकारों को बुलाया था, जो आज तहसील दिवस में वो पक्षकार आए हैं अपने कागज और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उनको हम देखकर उस पर भी हमने निर्णय किया है।